कैसे हैं आप सभी। अभी हम मैं और माता जा रहे हैं मंदिर के पास। तो यहाँ पे हमने ना थोड़ी सी जो है वो पूजा उजी करनी थी, तो उस करके जो है अभी हम जा रहे हैं दोनों जने। है ना माता जी, है ना माता जी। राधे कृष्णा जी मंदिरों के। मैं फिर दोबारा दी सना जी एड़ा बोल। हाँ, है कि नहीं। चले मंदिर के पास माता रानी ही पूजने। और तो मेरे को काम कुछ नहीं। चलो कोई नहीं, अभी उधर जाके करते बात। है ना जी, अब वहाँ से करके बात। ओ भाई से जाड़ो तो से बड़े लोग के छोड़ा कर सकूं। तो आगे आप लोगों को मैं बहुत सारी गाय दिखाऊंगा जो जो मैंने देखी इतने दिनों में। काफ़ी दिन जो है वो घूमना पड़ता है फिर मिलती है एक गाय, और कितनी मेहनत लगती है और कितना सफ़र करना पड़ता है। बाइक में भी तेल लगता है, खर्चा भी होता है, ऊपर से धूप प्यास, बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। तो देखिएगा कितनी गाय जो है वो मैंने दिखाई और देखी है, तो वो भी आप लोग अपनी आंखों से देखिएगा। नए नए पशु कहीं पे अच्छे भी हैं, कहीं पे थोड़े कमज़ोर भी हैं। और भाई ये तो पालने के हाथ पे है कि कितना की पालते हैं लोग पशुओं को, है ना। तो देखते जाइएगा आप। ये देखिए जो ये गाय है ये मेरे पास है, और ये पहली बार सोएगी, और इसको जो है वो पहली तारीख को इसका टेकड़ा जो है वो पूरा हो जाएगा। मतलब टीका लगाया था तो मतलब 10 महीने पूरे, 9 महीने पूरे हो जाएंगे और 10वां जो है वो चल पड़ेगा पहली तारीख से। तो देखिए जी ये इस तरीके की है, और किसी ने ख़रीदनी होगी तो भाई संपर्क करिएगा मेरे साथ, कमेंट में बताइएगा।
और यहाँ पे जो है वो मक्की भूनने लग गया था जी मैं। और मक्की का भी अब लास्ट लास्ट सीजन है, थोड़ी थोड़ी जो है वो मक्की मिलती है अब, क्योंकि सूख चुकी है, पक चुकी है, तो बीच बीच में ढूंढने से जो है वो मिलती है। और चूल्हे पे भुनी हुई जो मक्की है ना, वो बहुत स्वाद होती है, सच में बड़ा टेस्ट जो है वो आता है चूल्हे पे भुनी हुई मक्की का। से तेज बने रखा ना खू फिर जे ते तो खाली हो ना सिलेंडर फिर तो मेरी गल कर सने 950 ना ना सेन देने फिर जे सिलेंडर ओपन खाली होगा ना फिर माँ फू ते बस मेरी गल कर सने ओ बस फिर मत से आप हाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हम जो है वो मक्की काटना शुरू कर दिया है हमने। और यहाँ पे देखिए कुछ मक्की जो है छील भी दी है यहाँ पे, और कुछ जो है बोरे में भर रही है ज्योति रानी, है ना। तो ये देखिए बोरे में जो है वो भर दी है ये, है ना। और कुछ इधर है पड़ी हुई, तो बस अभी जो है वो आधा जैसा खेत जो है वो छील के जो है वो कर दिया है हमने, और कुछ जो है वो काटने को भी बची हैं और कुछ छीलने को भी बची हैं, तो अभी काफ़ी हैं। और फिर उसके बाद जो है ऊपर वाले खेत जो है वो काटेंगे। देख पा रहे होंगे आप ज्योति के हाल, इस तरीके से ढोते हैं क्या, बोरी लै ना बोरी, है ना, ते ये रखते सा, है ना, ते तेरह 15-20 सट कट्ठिया तेब ले आओ, हैं एक एक दो दो ले, नहीं तो कितने कर देना पूरा ऐसा बछा, और तेतर सट्टे बहुत बुरे हाल हो जाते हैं घर का काम करते हुए ना ऐसे। अभी हमने जो है वो गाय बांध ली है अंदर, और अंदर जो है इनको घास डाला जा रहा था धोने के बाद जो है। और एक जो है वो ये देखिए ये सोने वाली है, और जो दूसरी है वो भी प्रेग्नेंट है, पर वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है और दूध अभी दे रही है। और यहीं पे वीडियो का एंड कर रहे हैं जी। ओके बाय, सी यू।